Our next C functions calculating greatest common divisor or highest common factor. SCF stands for highest common factor. GCD means greatest common divisor. Means write a C function that will returns or that will calculates greatest common GCD or SCF of two numbers. What do you mean by SCF? Means same law you discuss ki during loop. So same again one time I repeat karam. What do you mean by greatest common factor or greatest common divisor? HCF, highest common divisor. Highest common divisors. Divisor means factors or highest common factors. So, सबसे पहले बात करेंगे आर द फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स. फॉर एग्जांपल सपोज दैट वी आर हैविंग टू नंबर्स एज 12 एंड 30. सेम एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था ड्यूरिंग लूप्स और लूपिंग स्टेट. इन दैट केस आपके पास टू नंबर्स हैं 12 एंड 30. इसमें से फाइंड आउट क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर. हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर में सबसे पहले फाइंड आउट करना व्हाट इज द कॉमन डिवाइजर और कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 12 एंड 30. देन आउट ऑफ देम हाईएस्ट फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल 12 के केस में बात करें 12 के लिए पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? किसी भी नंबर्स के लिए पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? आइदर लेस देन ऑफ नंबर और इक्वल्स टू नंबर. मींस पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं? लेस देन और इक्वल्स टू नंबर्स. फॉर एग्जांपल 12 के केस में पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं? 12 को 1 से डिवाइड करना पॉसिबल है, 2 से डिवाइड करना पॉसिबल है, 3 4 12 5 से डिवाइड करना पॉसिबल है, लेकिन 6 से डिवाइड करना पॉसिबल है. मींस 12 दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 12. सेम एज 30 के लिए पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 30 को 4 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, बट 5 से डिवाइड करना पॉसिबल है, 5 6 से डिवाइड करना पॉसिबल है, 6 सेम एज 10 15 और 30 इटसेल्फ. दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 12 और 30. लेकिन इस केस में फाइंड आउट क्या करना है? मीन सबसे पहले मैंने अभी फाइंड आउट किया कि ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ कॉमन डिवाइजर, बट वी वांट टू डिस्कसिंग ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट. इस अगर इनमें से डिवाइजर कॉमन डिवाइजर्स की बात करें आउट ऑफ देम कॉमन डिवाइजर्स क्या है? 1 12 का भी डिवाइजर है और 12 का भी मल्टीपल सेम है, 30 का भी मल्टीपल है सेम है, 2 इज अ कॉमन, 3 इज अ कॉमन, बट 5 इज नॉट अ कॉमन, 4 इज नॉट अ कॉमन, 6 इज अ कॉमन. मींस 6 से दोनों ही नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं. रिमेनिंग 12 को डिवाइड कर सकते लेकिन 30 को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं. लाइक दैट दीज आर द कॉमन डिवाइजर. आउट ऑफ देम मींस टोटल कॉमन डिवाइजर क्या है? फाइनली 1 2 3 6. आउट ऑफ देम ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है इस केस में? 6 इटसेल्फ. देयरफॉर मींस इन दैट केस फॉर इनपुट वैल्यू 12 एंड 30 फंक्शन शुड रिटर्न 6 लाइक दैट. आउट ऑफ देम इनमें से 6 मींस जो भी गिवन नंबर्स है इस केस में 12 क्या है? 2 इनपुट्स, इनपुट 1 इनपुट 2. मींस इस केस में फंक्शंस के लिए टोटल इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? देयर आर 2 इनपुट्स आर रिक्वायर्ड. इस केस में ओनली फंक्शन डिस्कस करूंगा, नॉट अ मेन फंक्शंस. फंक्शन वी आर राइटिंग फंक्शन नेम एज HCF. फंक्शन नेम इटसेल्फ है HCF. हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड? 2 इनपुट्स, समथिंग इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2. नेक्स्ट वन रिटर्न टाइप से रिटर्न क्या होगा? दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और आउटपुट. मींस आउटपुट किस फॉर्म में आएगा? इंटीजर्स के फॉर्म. इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे इंटीजर्स. नेक्स्ट वन इन दैट केस इन दोनों में से मीन्स जो भी कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर ऑलवेज मीन्स अगर टू नंबर्स हैं कॉमन फैक्टर ऑलवेज क्या होगा? मिनिमम ऑफ और लेस देन ऑफ मिनिमम नंबर्स. मीन्स 12 और 30 में मिनिमम क्या था? 12. मीन्स जो भी कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? 100% लेस देन ऑफ 12 और स्मॉलेस्ट नंबर्स. इन दैट केस मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा सम एक्स्ट्रा वेरिएबल एस मीन, प्लस इस केस में लूप रिक्वायर्ड होगा. लूप को इटरेट करने के लिए यूज करेंगे जा आई. मीन्स इस केस में सबसे पहले जो भी नंबर से डिवाइड डिवीजन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इन करेंट एग्जांपल 12 और 30 केस में डिवाइड कहाँ से किया था? 12. मीन्स सेम कॉन्सेप्ट डिटेल्स में डिस्कस किया था ड्यूरिंग लूपिंग स्टेटमेंट. इस केस में ओनली फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, नॉट अ कंप्लीट लॉजिक्स. अगर आपको लॉजिक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है सबसे पहले आप लूप का प्रोग्राम वॉच करोगे, आफ्टर दैट फंक्शन रिलेटेड प्रोग्राम्स. इन दैट केस नंबर्स के केस में सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है? मिनिमम. मिनिमम क्या हुआ इस केस में? मिन इक्वल्स टू n1 लेस देन n2. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू रिप्रेजेंट करता है देन इस केस में रिटर्न क्या कराना है? n1, अदरवाइज n2. इस टाइप से इनिशियलाइजेशन किस में होगा? मिन में. क्योंकि जब भी आप नंबर्स को टेस्ट करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले डिवीजन किससे कराएं? मिनिमम वैल्यू से. i इक्वल्स टू
मेन। कब तक डिवीजन कराना है? जब तक आई का वैल्यू वन से बड़ा है वन के इक्वल, मीन्स आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और वी कैन से आई ग्रेटर देन जीरो, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स। नेक्स्ट वन, एवरी टाइम परफॉर्म किया हुआ आई माइनस माइनस लाइक दैट। इस केस में लूप में एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन लूप्स के केसेस में टेस्ट क्या करना है, आई के केसेस में 12 और 30 के केस में मिनिमम कौन था 12, तो मिनिमम का वैल्यू क्या होगा 12, आई इज इनिशियलाइज्ड बाय 12। कब तक चलेगा 12 से लेकर 1 तक, मीन्स ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 लाइक दैट। सबसे पहले डिवीजन मीन्स एन वन और एन टू दोनों को डिवाइड किससे कराएंगे 12 से, नेक्स्ट टाइम किससे डिवाइड कराएंगे 11, फर्स्ट टाइम डिवीजन किससे कराएंगे 12 एंड 30 के लिए लाइक दैट 12 एंड 30। सबसे पहले इन नंबर्स को डिवाइड किससे कराना है 12 इटसेल्फ, 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 30 डिवाइड करना पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट टाइम किससे डिवाइड कराएंगे 11 से, 11 से 9 12 डिवाइड हो रहा 9 30, नेक्स्ट टाइम 10 30 इज डिविजिबल 9 8 7 6 6 से 12 भी डिवाइड हो रहा है प्लस 30 भी डिवाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई 6 इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। लेकिन ये वैल्यू मैनेज किस फॉर्म हो रहा है, आई के फॉर्म में, दिस वन इज अ एन वन दिस वन इज अ एन टू लाइक दैट। इमीडिएटली इसे रिटर्न क्या होना चाहिए वैल्यू ऑफ आई, सपोज दैट इनमें से कोई भी मिनिमम डिविजन नहीं, तो फाइनली लूप कब तक चलेगा 1 तक, 1 के केसेस में 100% श्योरिटी है 1 से एन वन भी डिवाइड होगा एन टू भी डिवाइड होगा, उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू का रिटर्न होगा एज अ 1। फाइनली इस केस में राइट डाउन क्या करना है लॉजिक्स बाई यूजिंग इफ कंडीशन, मीन्स 4 के अंदर राइट डाउन क्या करें इफ कंडीशन, इफ के थ्रू एन वन को डिवाइड करें एन वन मॉड्यूलो बाई वैल्यू ऑफ आई इक्वल इक्वल जीरो, मीन्स इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, इफ एन वन इज मल्टीपल ऑफ आई करेंट वैल्यू ऑफ आई देन टेस्ट, मीन्स अगर एन वन आई से डिवाइड हो रहा है देन एन टू भी आई से डिवाइड होना चाहिए, अगर एन टू भी आई से डिवाइड हो रहा है इसके इसमें यूज क्या करेंगे एंड कंडीशन, इफ एन टू मॉड्यूलो बाई आई इक्वल इक्वल जीरो, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू इमीडिएटली ब्रेक दिस लूप बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर एग्जीक्यूटिंग दिस लूप नेक्स्ट टाइम। जैसे लूप बार कंट्रोल बार आएगा इमीडिएटली रिटर्न क्या कराएंगे इससे वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई, आई होल्ड क्या करेगा आइदर 6 और 1 लाइक दैट एनी नंबर्स, दिस इज द लॉजिक्स फॉर कैलकुलेटिंग एस सी एफ ऑफ टू इंटीजर नंबर्स।